नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। झांसी के कस्बा बबीना में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। बताया जाता है कि एक माह के रोजे रखने के बाद ईद की नमाज अदा की जाती है। मुस्लिम बंधुओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद की नमाज ईदगाह पर अदा की। इसी दौरान हाफिज फरहान ने देश के अमन चैन के लिए दुआएं मांगी और कहा कि हमें सब, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सबको इसी तरह भाईचारे से रहना चाहिए और सभी के त्यौहार को मिलजुल करके करना चाहिए। ईदगाह पर मुस्लिम बंधुओं से मिलने पहुंचे ग्राम प्रधान बबीना दीनदयाल संभ्रांत व्यक्ति भी वहां पर मुस्लिम बंधुओं को ईद की बधाई देने ईदगाह पर पहुंचे और इसी दौरान बबीना थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ वहाँ पर मौजूद रहे और पुलिस प्रशासन ने काफ़ी कड़ी व्यवस्था की थी। इसी दौरान मुस्लिम बंधुओं के लोगों ने पुलिस प्रशासन और वहां के कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों व पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। न्यूज 9 भारत के लिए बबीना से नईम खान के साथ शैलेश सोनू से शिवहरि की खास रिपोर्ट। जी, सबसे पहले तो मैं बबीना मुस्लिम समाज की तरफ से बबीना बस्ती वालों को, पूरे देश वालों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद का त्यौहार है। अभी अभी हम लोगों ने ईद की नमाज़ अदा की, बहुत शांति और सुकून के साथ माशाल्लाह हम लोगों ने ये ईद की नमाज़ अदा की है। इसमें प्रशासन का और भी हमारे तमाम जो इंतज़ाम करने वाले थे, तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि सब ने, बहुत लोगों ने हमारा साथ दिया और शांति के साथ हम लोगों ने ये ईद की नमाज़ अदा की है। अब मैं इस मौके पर पूरे देश वालों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि ईद का ये त्यौहार है, इसमें आपस में एक दूसरे से गले मिलें, खुशियाँ बाँटें एक दूसरे को, एक दूसरे के काम आएँ, ज़रूरतों को एक दूसरे की पूरा करें और पूरे देश में अमन और शांति का माहौल पैदा करने की कोशिश करें। इसलिए कि ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, इसमें जितनी शांति हम लोग पैदा करने की कोशिश करेंगे इतना ही हमारे देश के लिए ये अच्छा होगा। और सब एक दूसरे के गले मिलें, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इस मौके पर हमारा दीन हमें यही दर्स देता है कि सब के गले मिलें और सबसे खुशियों से पेश आएँ। इसलिए कि शाइन ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो इसी भाईचारे को हम लोग कायम रखते हैं माशाल्लाह। और हमारी बस्ती में हर त्यौहार पर, चाहे वो कोई सा भी त्यौहार हो, किसी का भी त्यौहार हो, इसी तरीके से भाईचारा देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम लोगों का भाईचारा इसी तरीके से देखने को आप लोगों को मिलता रहेगा। तैयारियाँ रही हैं आप लोग? आज प्रशासन की तरफ से हमारे मतलब अच्छी तैयारियाँ रहीं, प्रशासन ने बहुत साथ दिया हमारा। तो यानी कि आप प्रशासन की तरफ से सारा सही होगा? हाँ, प्रशासन की सही तरफ से। तो आप अपनी तरफ से प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत मतलब शुक्रिया प्रशासन का, जिनने हमारा मतलब हर तरह से साथ दिया। जहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो थाना अध्यक्ष जो है अरुण कुमार तिवारी जी हैं मौजूद हैं, और वो जो है यहाँ के पेश इमाम साहब को, यहाँ के जो मस्जिद के सदर हैं, पूरी बस्ती को जो है यहाँ पर जो है बधाई देने के लिए, उनको ईद उल फितर की जो है मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप लगातार जो है नवोदय प्लस टाइम्स पे बने रहिएगा और नवोदय प्लस टाइम्स की जो खबरें हैं, हम लोग जो है सामाजिक धार्मिक क्राइम हर की खबरें जो है आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। और नवोदय प्लस टाइम इस वक्त जो है बबीना मस्जिद की जो ईदगाह है, ईदगाह पे हम लोग जहां मौजूद हैं और लगातार जो है हम लोग यहां। खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।